Love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है मैडपुल और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर मैडपुल पे। तो गाइस, आज हम लोग खेल रहे फिर से मिशन एवर। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमने जो कल घर बनाया था और एक टावर मैंने ऑफलाइन बनाया, ये आपको दिखाता हूँ दो मिनट ऊपर जाके। ऐसे टावर मैंने बैठ के बनाया, पर इसमें लैडर्स लगते तो है लेकिन स्ट्रेट नहीं लगते माइनक्राफ्ट की तरह, तो इसे साइड में ऐसे एक स्टेयरकेस बनाना पड़ा। तो यहाँ से कभी भी हम किसी को भी स्कोप लगा के मार सकते हैं। इसमें कार 90 जैसी भी गन से जो आगे चल के हम क्राफ्ट करेंगे, लेकिन अभी तो ये गन से दिखा रहा हूँ। चलते हैं नीचे। अरे भाई गया। चलिए काम करते, गिव अप करते और यहीं पे स्पॉन होंगे। फटाफट अपना सामान उठाते और मिशन करने के लिए चलते हैं। वहाँ पे कोई मार्क दिखा रहा है तो जल्दी से चलते आपसे आगे और इसको खोलते लेते सब सामान अपना। ओके डन। भाई बहुत सामान पड़ा है अपने पास, कोई बात नहीं। ओके चलते जल्दी से घर में और जो आयरन है उन्हें स्मेल्ट करते पहले। तो बात ओके, यहाँ पे ये एम्बर रखते हैं। एम्बर का कुछ तो मिशन बता रहा था वो। ओपन करके चलते जहाँ पे वो बोल रहा है हॉर्स को निकालते हैं बाहर, बहुत दिनों बाद हॉर्स पे। चलिए चलते। तो अच्छा, ये किसी का घर है शायद से, कोई नया नया ऑनलाइन पेज ने अपना घर बना गया है। चलते आगे एकदम धीरे धीरे हॉर्स को भगाते हुए एकदम प्यार से यहाँ पे आते। ओ डायनामाइट मिल गया हमें वहाँ से, ठीक है कोई बात नहीं, 10 डायनामाइट्स मिले। उतरते और यहाँ पे लगाना है शायद से। ओके तो आगे चलते लगा देते, हट जाएंगे पीछे। टाइमर लग गया है गाइस, टाइमर लग गया, बहुत ज़्यादा टाइमर लगा। ओह भाई पूरा नहीं डैमेज हो गया। अच्छा एक और लगा देते हैं, पीछे आते हैं, यहाँ पे भी लगाएंगे गाइस, बहुत सही। आगे चलते हैं, भाई डैमेज गिर गया। अच्छा चेस्ट खुलेगा क्या? नहीं खुल रहा है, टेरिटरी एक्सेस दिखाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसे भी फोड़ते हैं, दो मिनट पीछे आते। ये ले, ये भी फूट गया या अंदर, और दो तीन ग्रेनेड डालते। ये ले ये वाला ग्रेनेड, सिवा ग्रेनेड से भर देंगे सर, सिर्फ तीन बाकी है ग्रेनेड। ओके हेलीकॉप्टर क्या आ जाएगा जा आजू बाजू से, कहीं से तो हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है कहीं से तो, आवाज़ आ रही है उसकी। भाई ये हेलीकॉप्टर, ओ अच्छा हो रहा है, देखो हो रहा है वापस दिख रहा है, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लेने के बाद अब करना क्या है? अभी भी मार दिया। अच्छा भाई ये एम्बर को लेना था। अच्छा एक ही ग्रेन, एक ही है बाकी हमारे पास डायनामाइट। शिट वेस्ट हो गया। काम कर सकते क्या? एक्स से तोड़ सकते हैं, एक्स एक्स में काम, एक्स से नहीं दिख रहा है गाइस, हो गई लफड़ा। चलते अभी जल्दी से एक डायनामाइट क्राफ्ट करके आएंगे। तो आगे इधर डायनामाइट की रेसिपी तो हमने कर दी थी तभी, जिस बढ़ जाते। ओके यहाँ से व्यू टेक क्या लगे, हाँ नाइटर। ओके गाइस नाइटर और लगने वाला है हमें, बाकी सब अनलॉक हो सकते हैं क्या? अपना स्क्रैप तो इनफ है लेकिन ये स्क्राफ्ट नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं इसको, हनी सर्कल मून शाइन। ओके अब एक काम करते, पहली तो बात घर में चलते हैं, आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रखते जो जो हमारे पास था। अच्छा एम्बर में कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या है पता नहीं। अच्छा यहाँ पे फर्नेस में चलते हैं दो मिनट के लिए, व्यू टेक ट्री। ये भी अच्छा नाइटर पाउडर लगे हैं जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आयरन को स्मेल्ट करने डाल सकते तब तक के फर्नेस में। ओके चलते जल्दी से आगे, नाइटर और कहाँ मिलेगा? एक काम करते हैं, ऊपर की ओर तो जा नहीं सकते, रिसर्च करते हैं आप एक बार भी।
अपग्रेड। अच्छा वर्क बेंच को भी हम अपग्रेड कर सकते हैं, स्प्रिंग लगेंगे लेकिन स्प्रिंग मेरे हिसाब से रेड है। ओके नीचे चलते हैं। ग्रेनेट, यस गाइस ग्रेनेट की ब्लू प्रिंट अनलॉक हो गई और डायनामाइट की भी हो गई। चलिए अब हम ये क्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उससे पहले हमें चाहिए नाइटर ओर और उससे बनाएंगे हम नाइटर पाउडर। तो नाइटर ओर चाहिए तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा माइनिंग के लिए। एक बार ये देखते हैं डायनामाइट बंडल, ये क्राफ्ट तो नहीं हो रही। ओके चलते हैं। कॉटन भी लगेगा गाइस, कॉटन अपने पास है या नहीं पता नहीं। चलते आगे की ओर। ये देखो गाइस यहाँ पे कोई तो ओर है, शायद से नाइटर ही होगा। एक पिकैक्स क्राफ्ट कर लेते हैं। नहीं गाइस ये आयन है, दूर से ही लग रहा है आयन हो रही है। हाँ ये आयन हो रहा है। ओके इसको अच्छे से तोड़ते पूरा ले लेंगे। आयन ओर की भी ज़रूरत है वैसे। गाइस ये कौन ले रहा है, उसका लैग हो रहा है गाइस। ये देखो ये दे मार दिया उसने, बहुत गंदा मारा। इसे हाइड था इसके पास, और दो तीन शॉट के बाद ये टूट ही जाएगा आयन का रॉक। ओके टूट गया। चलते जल्दी से नाइटर और ढूंढने के लिए। ओके गाइस मेरे को मिल गया नाइटर, ये देखो सामने नाइटर के। तो जल्द से जल्द इसे भी तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत याद नहीं। और चलते गाइस वैसे टावर बहुत सही दिख रहा है हमारे घर का, जो और अपडेट करेंगे। आप कमेंट में बताना और क्या बनाना चाहिए घर के पास, जो घर की लुक अच्छी सी आए। अभी भी बहुत बढ़िया आ रही है घर की लुक, लेकिन और कुछ बनाना है और बहुत चीज़ें बनाना है। ओके नाइटर जितना बन सकता उतना, 100 चाहिए था तो बनाते ही जा देंगे। ओके एक बार ही देखते कितने चाहिए, जहाँ तक मेरे को पता है 100 ही थे, लेकिन एक बार रिसर्च में जाके उधर देख के आएंगे। लेकिन इससे पहले 2 मिनट चाहिए खुलना। कितने 100 कितने चाहिए, 100 चाहिए। ओके चलते जल्दी से नाइटर को लिख के आते हैं, जितने भी क्राफ्ट हो गए होंगे। ये जंप यहाँ से नहीं मार रहे। ओके यही से जाना पड़े। डन गाइस ये भी हो गया। इसको एक बारी में बहुत सारे क्राफ्ट करके 5 5 5 रखते हैं। तो ये हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी क्राफ्ट हो रहा है। कितने हो गए अपने पास। ओके ये क्लेम कर देते पूरे, और 20 20 के स्टैक्स लगाएंगे। ये जितने में से कलेक्ट करेंगे। और ये क्यों दब रहा है। ओके इसके नीचे। ओके कितने हो गए अपने, और थोड़े बाकी है। डन गाइस ये हो गया है। अब इसे जाके वहाँ पे नहीं, यहाँ से नहीं, शायद से उसे वर्क बेंच से ही क्राफ्ट करना होगा। तो वर्क बेंच की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले और थोड़े बहुत लगा के जाते हैं यहाँ पे क्राफ्टिंग के लिए। ज़्यादा हो गए। और राइट गाइस चलते हैं अभी जल्दी से वर्क बेंच की तरफ चलते हैं, और वो डिस्ट्रॉय करके आ जाते हैं उसका एम्बर। ओके रिसर्च क्राफ्ट डायनामाइट क्राफ्ट हो गया। तो ये मिल गया शायद से, मिला है क्या, यहाँ से नहीं क्राफ्ट कर सकेगा। ओके चलते हैं ऊपर। डायनामाइट है क्या वैसे, आज क्या आया नहीं है क्या डायनामाइट का, चलेगा मिल नहीं रहा। ऐसे कैसे हो सकता है, डायनामाइट तो बनाया था अभी अपने गाइस, अब भी बनाया था हमने डायनामाइट, कहाँ चला गया पता नहीं। एक काम करते हैं फिर से वर्क बेंच के पास जाते हैं। ये बार बार ये क्यों दब रहा है। ओके एक और बार चेक करते हैं। नहीं वर्क बेंच पे ही जाना पड़ेगा शायद से, हमने क्लेम नहीं किया है। हाँ क्लेम नहीं किया। चलते यहाँ से वेपन्स में कट करते इसको, चलते वर्क बेंच की तरफ। हमने शायद से क्लेम नहीं किया था पहले तो। एरो वीरो सब है अपने पास ऑलरेडी, वो भी है। आर्मर आर्मर नहीं, अच्छा वो सब बनाना है, लेकिन पहले चलते हैं डायनामाइट लेने। कॉटन यहाँ से उठाएंगे, 2 कॉटन हो गए, आगे भी एक कॉटन है। डायनामाइट बनाने के लिए वो काम आ रहा है गाइस, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलते आगे जल्दी से। और गाइस
ये देखो यहाँ पे आके क्लेम कर देते। यस पता ही था मेरे को, लेकिन एक मिनट, एक बना है या दो बना है, दूसरा भी बना देते हैं क्या? और दूसरा भी बनाते, चलो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे। जो जो नाइटर हमने पिघलने के लिए रखा था स्मेल्ट होने के लिए, ओके 44 हो गए, चलते हो जाएगा इतने में, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आएंगे वापस से। चलते जल्दी से बाहर और यहाँ पे ओके क्राफ्ट शायद, हाँ हो गया, चल ये भी हो गया, इसे भी क्लेम करते और चलते वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका एम्बर। लेकिन उसे मिलेगा क्या पता नहीं, पर ये करने बोल रहा है तो कोई नहीं, चलो कर दे जल्दी से इसका एम्बर। ये फेंका यहाँ पे, डन, एक दरवाज़ा तो फूट गया, यस। अब ये फेंकते इसके ऊपर, काश वैसे डायनामाइट का डैमेज थोड़ा कम है, कोई बात नहीं भाई, और बहुत बाकी है गाइस, और बहुत बाकी है, जल्दी से चलते हैं। और कॉटन, कॉटन मांगता हमारे पास नाइटर और तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉटन चाहिए, कॉटन कहाँ मिलेगा, ये क्या है, हनी सब इसको कलेक्ट करते हैं कॉटन। गाइस अभी अभी मेरे को पता चला है कि हम पिकैक्स से एम्बर तोड़ सकते हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं खाली फुकर डायनामाइट ढूंढने के लिए चला गया था, लेकिन उससे पहले बेड डिस्ट्रॉय करते हैं। पिकैक्स से भी टूट सकता है वो एम्बर जो था वहाँ पे, बस जो वॉल्स है वो नहीं टूटेंगे, वॉल्स के लिए हमें डायनामाइट ही लगेगा। तो जल्दी से चलते ये बेड इसका तोड़ते, सब चीज़ें तोड़ेंगे। ये देखो गाइस ये नहीं टूटेगा, ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, ना ये होगा, कुछ नहीं होगा डैमेज। तो चलते जल्दी से, हमने उसका एम्बर तो ले लिया है, अब घर की ओर चलते फटाफट बिना किसी देरी के। घर के पास जाते, घोड़े को रुकाते उसके स्टेबल में, और ये एम्बर का क्या काम है वो देखते हैं। तो इस वाले इसको यहाँ पे रुकाते गाइस, एक और हॉर्स लाएंगे हम अगले एपिसोड में, एक और हॉर्स से दो तीन हॉर्स ला के रखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे सब ब्लू प्रिंट अनलॉक करना पड़ेगा हमें। चलते घर पे, ऐसे ऊपर चढ़ते हैं टॉपर, हाँ कुछ काम तो नहीं लग रहा, एक बार ये जाके चेक करते हैं। ओके इसको लगा दे क्या, वेट, अरे बो लग गया, बो लग गया, दो मिनट बो को हटाते हैं, नहीं शायद से कुछ अलग ही चीज़ें बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये बन गया, ओके। तो खैर यार गाइस आज के वाले एपिसोड में बस इतना ही, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं दोबारा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Some days I feel skinnier than others.